गाइस YouTube की एक नहीं दो नहीं तीन बहुत ही बड़ी गुड न्यूज निकल कर आई है, जिससे कि जो न्यू क्रिएटर्स हैं उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। जैसा कि आपको पता होगा कि अगर YouTube चैनल को मोनेटाइज करना है तो उसके लिए आपके चैनल पर 1K सब्सक्राइबर 4K आवर्स का वॉच टाइम रहना चाहिए लास्ट एक साल के अंदर। तो YouTube अब इस एलिजिबिलिटी को जो है कम करने वाला है, यानी कि ये टारगेट अचीव करने की जरूरत नहीं, इससे कम एक नंबर रहेगा जो कि आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। साथ ही साथ जो शॉर्ट्स क्रिएटर है जो कि शॉर्ट्स बनाते हैं अपने चैनल पर, वो भी अब YouTube पार्टनर प्रोग्राम में जो है शामिल होंगे, यानी कि ऑफिशियल तरीके से जो है शॉर्ट्स भी मोनेटाइज किए जाएंगे, उनका रेवेन्यू मिलेगा। इसके अलावा भी और कुछ अलग अलग अपडेट्स एंड गुड न्यूज है जो कि इस वीडियो में आपको पता चलेगी। तो यार वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताता हूं कि यार ये जो अपडेट है पता कहां से चला है, तो द न्यूयॉर्क टाइम करके एक साइट है जैसा कि आप देख सकते हो, तो इन्होंने रिपोर्टिंग करी है एंड बताया है कि यूट्यूब की मीटिंग के दौरान जो है एक इंटरनल ऑडियो लीक हुआ था जिसमें कि जो है इन अपडेट्स पर बात कर रखी थी, तो इन्होंने जो है इस न्यूज को रिपोर्ट किया है। सबसे पहला जो अपडेट है उसमें आप देख सकते हो जो YouTube शॉर्ट्स है वो डायरेक्टली मोनेटाइज होने लग जाएंगे, यानी कि उनको एक ऑप्शन मिल जाएगा YouTube शॉर्ट्स को मोनेटाइजेशन करने का। जैसे हम वीडियो डालते हैं उसमें हमें मोनेटाइजेशन का सेक्शन मिलता है, सेम तरीके से जो है शॉर्ट्स में भी मोनेटाइजेशन का एक ऑप्शन मिलेगा। एंड जो यूट्यूब शॉर्ट्स है वो YPP में, यानी कि यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में जो है शामिल हो जाएंगे। लेकिन इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी वो डिफरेंट रहेगी, लाइक जो हम एक लॉन्ग फॉर्मेट का कंटेंट डालते हैं, लाइक ये 10 या फिर 5 मिनट का जो मैं वीडियो बना रहा हूं, शॉर्ट्स नहीं बना रहा हूं, इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन रहती है YouTube की ये रहती है कि जो एड रेवेन्यू रहता है वो 55% हमें मिलता है एंड 45% जो है YouTube रखता है। लेकिन शॉर्ट फॉर्म में क्या होगा, जब शॉर्ट्स में एड्स आएंगे उस कंडीशन में जो है 45% हमें दिए जाएंगे एंड 55% जो एड रेवेन्यू है वो YouTube रहेगा, यानी कि रिवर्स हो जाएगा। एंड ये चीज सिर्फ शॉर्ट में ही अप्लाई होगी, जो लॉन्ग फॉर्मेट का कंटेंट है उसमें जो रेवेन्यू मिल रहा था वो तो सेम ही मिलेगा, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। अब गाइस शॉर्ट्स वीडियो जो रहेगी उसमें एड्स किस तरीके से लगाए जाएंगे उस पर अभी भी जो है बात चल रही है कि लाइक, क्योंकि शॉर्ट्स जो होता है 15 सेकंड 30 सेकंड ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट का होता है, तो अगर 30 सेकंड के शॉर्ट्स पर अगर 30 सेकंड का मिड रोल प्री रोल एड लगा दिया जाएगा तो फिर कोई यूजर उस शॉर्ट्स को क्यों देखेगा। ये चीज क्लियरली मैंशन नहीं की गई है कि शॉर्ट्स एग्जैक्टली मोनिटाइज कैसे होगा, बट ये क्लियर मैंशन है कि शॉर्ट्स जो है मोनिटाइज होगा, यानी कि एक ऑप्शन मिलेगा एंड उससे आपको जो है एड वगैरह आएंगे एंड एड रेवेन्यू आपका शॉर्ट्स से जनरेट होगा। दूसरा जो बड़ा अपडेट है वो ये, यहाँ पर देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू द लीक्ड इंटरनल ऑडियो YouTube विल ऑल्सो लोअर द बैरियर ऑफ एंट्री टू द YouTube पार्टनर प्रोग्राम, यानी कि जो YouTube पार्टनर प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी है, यानी कि 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 आवर्स का वॉच टाइम, वो जो है अब कम होने वाला है। एंड इसका जो रीज़न है वो ये है कि जो नए नए क्रिएटर्स जो बहुत सारे आ रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा है YouTube की मदद से जो है पैसे वगैरह कमा पाए हैं। देख सकते हो कि अलाउंग मोर क्रिएटर्स टू मेक मनी फ्रॉम YouTube एड, क्योंकि अभी के टाइम पर YouTube बहुत ज़्यादा जो है ग्रो करता चला जा रहा है, तो इसी वजह से YouTube चाहता है कि नए नए क्रिएटर्स आए एंड वो अपना कॉन्टेंट शेयर करें, उससे वो भी रेवेन्यू कराएं। जब क्रिएटर्स कॉन्टेंट बनाएंगे तो उससे यूट्यूब को भी कहीं ना कहीं बेनिफिट्स ही होगा। अगर आपने अभी तक अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं किया है तो डेफिनेटली लेना, क्योंकि आगे जाकर चीजें बहुत ज्यादा चेंज रहने वाली है। अभी से अगर स्टार्ट करोगे हो सकता है ये जो है 1 जनवरी 2023 से ये सारे जो है ऑफिशियली अनाउंस हो जाए। अगर ये क्राइटेरिया जो है वो ज्यादा कम होता है तो उस केस में उस टाइम पर आपका जो चैनल है इजीली मोनेटाइज हो जाएगा एंड आप भी यूट्यूब से रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे। हो ना हो, अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, आपके ब्लॉग से वहां से अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, तो उसके साथ साथ आप यूट्यूब भी स्टार्ट कर सकते हो, जिससे कि आपकी एक साइड इनकम और शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ आपकी एक ऑडियंस बेस बनेगी जिससे कि आप अलग अलग तरीके से जो है अर्निंग कर सकते हो, साथ ही साथ अपना नॉलेज वगैरह शेयर कर सकते हो। गाइस तीसरा जो अपडेट है वो ये है कि जितने भी डांसिंग कैटेगरी के चैनल्स हैं, जो रिएक्शन वाले चैनल्स हैं, लाइक कोई नया मतलब जो है सॉन्ग वगैरह आया तो उस पर रिएक्शन देते हैं, या फिर समझ लो उसका ब्रेकडाउन करते हैं, या फिर जो डांस वगैरह पर जो है वीडियो बनाकर डालते हैं, तो उसमें क्या रहता है कि वो जब उस क्लिप को यूज करते हैं सॉन्ग की, तो उस केस में क्या रहता है कि वहां पर जो है कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, उनको कोई भी रेवेन्यू नहीं मिलता। अब ये चीज जो है हटा दी जाएगी, लाइक अगर आप कोई डांस का वीडियो वगैरह बना रहे हो उसमें आप किसी का भी सॉन्ग यूज कर रहे हो, तो उस केस में आपको जो है कॉपीराइट क्लेम नहीं मिलेगा, जो आप कंटेंट बना रहे हो उसका आपको कहीं ना कहीं रेवेन्यू मिलेगा। अब ये चीज एग्जैक्टली किस तरीके से होगी वो चीज तो नहीं बताई गई है, क्योंकि अगर ये चीज यूट्यूब करता है तो बहुत सारे लोग जो सॉन्ग्स वगैरह है उनको रीअपलोड करना स्टार्ट कर देंगे, तो उस केस में उन्हें क्लेम नहीं आएगा, तो वो भी जो है वहां से रेवेन्यू जनरेट करेंगे, तो किसी और का मतलब कंटेंट से कोई और पैसे कमा रहा है, तो वो चीज गलत रह सकती है। तो अब ये चीजें किस तरीके से एग्जैक्टली वर्क करेगी आने वाले समय में, यानी कि 2023
ठीक है, स्टार्टिंग में हमें पता चल जाएगी तीनों अपडेट्स के बारे में, जिसमें ज़्यादा टाइम बाकी नहीं है। और डेफिनेटली आप भी यूट्यूब को ज्वाइन कर ले अगर आपने नहीं करा है, तो आने वाले टाइम पर काफी ज्यादा जो है इसका स्कोप रहने वाला है। यही तो तीन अपडेट, होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, चैनल में सब्सक्राइब भी करना। इसी के साथ मैं हम लोग नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड।